कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में कॉग्निजिबल अफेंस और नॉन कॉग्निजिबल अफेंस के बारे में बातें करेंगे, जिसे हिंदी में संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध कहते हैं। फ्रेंड्स, संज्ञेय अपराध का मतलब हुआ कि वे अपराध जो बहुत ही अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, और असंज्ञेय अपराध जो कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं उसे हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। ज्यादातर जो हम लोग समझते हैं उसके बारे में, तो संज्ञेय का मतलब क्या हुआ कि वे अपराध जिसमें 3 साल से अधिक की सजा होती है और जिसे हायर कोर्ट के द्वारा सुना जाता है वो संज्ञेय अपराध है, जो सामान्य प्रवृत्ति है सोचने की, ठीक है ना। और असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें सजा 3 साल से नीचे की होती है और जिसे जो है लोअर कोर्ट के द्वारा जिसे सुन लिया जाता है। तो सामान्य प्रवृत्ति ये है, या सामान्य रूप से हम ऐसे सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग संज्ञेय अपराध के बारे में सभी चीजें जानेंगे कि वाकई में संज्ञेय अपराध क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, संज्ञेय अपराध जो है उसके बारे में बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2C में। सीआरपीसी का सेक्शन 2C क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध कौन है? तो संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं, ठीक है ना, या ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध कहेंगे। और असंज्ञेय अपराध क्या है? तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 2L, ठीक है ना, सेक्शन 2L में असंज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2L कहता है कि ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, ऐसे मामले को हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो ये जो है ये थोड़े कम गंभीर प्रवृत्ति के मामले होते हैं। मतलब कौन से मामले हो गए? मिथ्या साक्ष्य देने वाले मामले, है ना, या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामले, हल्ला हुड़दंगी करने वाले मामले, तो ये सब छोटी प्रवृत्ति के जो मामले हैं, छोटी गंभीर प्रवृत्ति के जो नहीं है उसे हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर असंज्ञेय अपराध के बारे में माना जाता है कि वे मामले जो 3 साल से कम की सजा के हैं, ठीक है ना, तो वो असंज्ञेय है, लेकिन जो 3 साल से अधिक की सजा के हैं वो संज्ञेय है, ऐसा माना जाता है ना। तो बहुत हद तक ये सही भी है, लेकिन ये पूरी बात ये सही नहीं है। इसका आइए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई मेट्रोमोनियल केस हुआ, मेट्रोमोनियल केस जिसका उल्लेख जो है आईपीसी के सेक्शन 493 to 498 पे किया गया है। तो इसमें जितने भी मामले होते हैं उसमें सजा कितनी होती है? 5 साल, और 5 साल से अधिक होती है ना। लेकिन इसमें पुलिस जो है तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसी प्रकार से आईपीसी का सेक्शन 312 देखिए, जो गर्भपात कारित करने से संबंधित है, इसमें सजा क्या है? इसमें सजा भी 3 साल से ऊपर है। यदि स्पंदन गर्भा है तो उसमें भी सजा 3 साल से ऊपर है, लेकिन ये असंज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता है। मतलब पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, जबकि सजा 3 साल से ऊपर है कि नहीं। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स, बहुत सारे मामले ऐसे हैं, जैसे पीस एंड सिक्योरिटी वाले मामले देखिए, पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में सजा कितना है? 6 माह तक का सजा है, लेकिन पुलिस जो है आती है और बिना वारंट के गिरफ्तार करके ले जाती है। यदि मान लो पुलिस उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी तो फिर क्या से क्या हो जाएगा? वहां तो हो हल्ला हंगामा दंगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब पुलिस को पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है तो पुलिस जो है उस पर काबू करने के लिए तुरंत आती है और जो ऐसे कार्य करते रहते हैं उसको तुरंत गिरफ्तार करके ले जाती है, हालांकि उसके पास वारंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये मानना कि वे मामले जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करके ले जाती है वो संज्ञेय है, और वे मामले जिसमें पुलिस जो है वारंट से गिरफ्तार करके ले जाती है वो असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजिबल है, ये कहीं कहीं पे गलत हो जाता है। तो फिर सही क्या है? हम फिर किसे माने कि ये कॉग्निजिबल है और नॉन कॉग्निजिबल है? तो फ्रेंड्स, इसका सबसे आसान आइडिया है कि जो हमारा सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल कहता है, सीआरपीसी के प्रथम सूची में जिन भी घटनाओं का वर्णन किया गया है
वही घटनाएं संज्ञेय है या असंज्ञेय है। तो फ्रेंड्स सीआरपीसी का शेड्यूल वन जो है उसमें संज्ञेय अपराध, असंग्रह अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध और वे अपराध जिनका संबंध हो सकता है उसकी सूची दी हुई है। तो फ्रेंड्स भले ही हम लोग जो है अपने अनुसार धारणा बना लें कि 3 साल से नीचे वाली सजा जो है वो असंज्ञेय अपराध, 3 साल से ऊपर वाली सजा संज्ञेय अपराध है ना, जिसमें पुलिस पकड़ के तुरंत ले चली जाए तो संज्ञेय अपराध, जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के नहीं पकड़ सकती वो असंज्ञेय अपराध, ठीक है ना। तो इस तरह का सोचना गलत है। सही क्या है? सही जो है वो है सीआरपीसी का शेड्यूल वन। सीआरपीसी के शेड्यूल वन में जिस अपराध को कॉग्निजिबल कहा गया है वो कॉग्निजिबल है और जिस अपराध को नॉन कॉग्निजिबल कहा गया है वो नॉन कॉग्निजिबल है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आप कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।